कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 मई तक के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया। इसी को लेकर आज लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम में आश्रम के सह सचिव सुरेंद्र यादव और मीडिया प्रभारी विजय सिन्हा के पहल पर 3 दोस्तों अभिनय करण, गोलू दुबे और शिवांगी शेखर सहित कई लोग आज आश्रम पहुंचकर आश्रम में रह रहे वृद्ध लोगों से मिले एवं उनको खाद्य सामग्री दिया। अपने हाथों से वृद्ध लोगों को बिस्कुट दिया ताकि इस आश्रम में रह रहे वृद्ध लोगों को लॉकडाउन के दौरान खाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। वहीं आश्रम में आए अभिनय कुमार एवं गोलू दुबे ने कहा कि आज हम लोग लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम जाकर वृद्ध लोगों के लिए खाने पीने की सामग्री दिया और हम लोगों ने इन वृद्ध लोगों का सेवा करने का मौका मिला। और मैं ऐसे बच्चों से निवेदन करता हूं कि आप अपने माँ बाप को अपने पास रखें और उन्हें आश्रम ना भेजें, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं और वहीं बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम के दरवाजे पर छोड़ जाते हैं। वैसे बच्चों को नहीं भूलना चाहिए कि वे लोग भी एक दिन माता पिता बनेंगे। वहीं हर माता पिता का एक सपना होता है कि बुढ़ापे के समय में वो अपने बच्चों एवं परिवार के साथ रहे। वही मुझसे जितना हो सकेगा मैं आश्रम के लिए करूंगा। आश्रम में आके हम लोग को थोड़ा बहुत ही दुख फील हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या बोले इसके लिए तो कुछ शब्द नहीं है, लेकिन वैसे जो बच्चे हैं उनको मतलब इस तरह से अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं, जो माँ बाप उनको पाल पोस के बड़ा किया, उनको जन्म दिया, उनको इस काबिल बनाया कि वो मतलब समाज में खड़ा रह सके, समाज में पैसा कमा सके, लेकिन फिर उस माँ बाप को उन लोगों ने छोड़ दिया। वैसे बच्चे को समाज में रहने के लिए कोई जगह नहीं देना चाहिए, समाज उसको समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ऐसा उन लोग के साथ ऐसा भी और जैसा वो लोग कर रहे हैं वैसा उन लोग के साथ भी आगे होने वाला है, लेकिन इस चीज को उन्हें समझना चाहिए। बस इसी के साथ मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि इस आश्रम के लिए जहां तक हो सके इससे भी ज्यादा और इससे भी बढ़कर मैं इस आश्रम के लिए मदद करूंगा और कोशिश करूंगा। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो आश्रम चला रहे हैं? उन लोगों के बारे में आश्रम जो चला रहे हैं वो तो उन लोगों के लिए वो तो सराहनीय है और वो जहां तहां से आदमी को जैसे जो जिनके माता पिता छोड़ दिए जैसे कतरास से धनबाद से वहां से लाके और उन लोग को रख रहे हैं वो तो मतलब एक बोला जाए कि वो लोग फरिश्ता ही हैं। हम लोग 50 केजी चावल दिए हैं, 10 केजी आलू दिए हैं, 10 केजी दाल है और आटा है 10 केजी, साबुन है 30 पीस साबुन। आश्रम आए कैसा लगा आप लोग को? आश्रम आकर बहुत दुख हुआ सबसे पहला चीज तो, उसके बाद फिर मतलब यहाँ का सिचुएशन देख के और फिर समझ में आया कि यहाँ पे और करना चाहिए हम लोग को, तो जिस भी तरह से मदद कर सकेंगे यहाँ पे उस तरह से मदद करेंगे। वैसे बच्चों को क्या कहेंगे जो अपने माता पिता को घर से निकाल दे रहे हैं? कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए इस बात के लिए, जिंदगी है इससे दुख है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते इस पे तो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिनय कुमार हुआ और ये जो अभी हम लोग कह रहे हैं ये हम लोग 3 दोस्त मिलकर किए हैं, शिवांगी और करण। हम लोग से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं मतलब अपने क्रेडिट पे, पर्सनल क्रेडिट पे हम लोग अपने आप को मदद आवाम बोल रहे हैं, लेकिन हाँ हम लोग 3 ही बॉडी हैं और हम लोग अपने क्रेडिट पे हम लोग से पैसा ये उठा मतलब लोग से मांग रहे पैसा मदद करने के लिए अभी के सिचुएशन को देख। वहीं लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गति ने आश्रम में आए 3 दोस्तों को आश्रम में आकर सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया एवं धनबाद वासियों और समाज सेवियों से आग्रह किया कि आप लोग भी अपने स्वेच्छा से आश्रम की मदद करें ताकि आश्रम में रह रहे वृद्ध लोगों को खाने पीने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। आज मैं उन नौजवानों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज हमारे लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम में आकर खाने की सामग्री दी। करण, अभिनय, शिवानगी, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इसी तरह हमारे लोगों को कम से कम ध्यान दिया जाए कि यहाँ दिक्कत खाने पीने की ना हो,
और मैं जो लोग आ रहे हैं हमारे पास उन सबको मैं आश्रम के सह परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहीं इस मौके पर लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गत्ती, कार्यकारिणी अध्यक्ष बी सुधीर, सचिव डॉक्टर डी शरण, सह सचिव सुरेंद्र यादव, मीडिया प्रभारी विजय सिन्हा, आश्रम के केयर टेकर सुबल कुमार, शांति देवी सहित आश्रम के सभी सदस्य उपस्थित।